एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल रोज रात को लोगों के दरवाजे खटकाकर बोलती, घर पर कोई है, घर पर कोई है, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। जब कोई गांव वाला दरवाजा खोलता तो वो चुड़ैल उसे उठा कर ले जाती। अरे मर गया रे, अरे अरे छोड़ दे चुड़ैल, अरे बच्चे की जान लेगी क्या, अरे छोड़ दे तेरा दास बेटे, अरे गांव वालों बचा बचा बचा। अगले दिन, अरे भाइयों इस चुड़ैल ने तो जीना दुश्वार कर दिया है। तभी हरिया का बेटा राजू बोलता है, पापा मेरे दिमाग में एक तरकीब है, बताऊं क्या? अरे तुम अभी छोटे हो, तुम चुप ही रहो, जाओ यहाँ से। पापा मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ, अरे तरकीब तो सुन लो पहले। कोई बात नहीं हरिया, ऐसे बोलने तो दो। अंकल क्यों ना हम अपने घर के बाहर शीशा लगा दें, चुड़ैल अपनी शक्ल उसमें देखकर डर जाएगी और भाग जाएगी। ये क्या झंडू तरकीब है, मैं नहीं मानता इसे। तभी पास खड़ी हरिया की पत्नी कविता कहती है, अजी इसकी तरकीब इतनी भी बुरी नहीं, एक बार ऐसा करके देखते हैं। तुम चुप करो, जाओ जाकर घर का काम करो। नहीं नहीं ठीक है, हम ये भी करके देखते हैं। फिर सब गांव वाले अपने अपने घरों के बाहर दरवाजों पे शीशा लगा देते हैं और आधी रात होते ही चुड़ैल आती है और शीशे में देख कर बोलती है, अरे ये क्या, तुम कौन हो, ये मेरा इलाका है, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन शीशे में उसी की शक्ल होती है और वो भी वैसी ही हिलती है जैसे चुड़ैल। ये देखकर चुड़ैल डर जाती है। लगता है गांव वालों ने इसे मुझसे बचने के लिए यहाँ बुलाया है। चलो और किसी के घर का दरवाजा खटखटाती हूँ। फिर चुड़ैल हरिया के घर जाती है। हरिया के घर शीशा नहीं लगा होता। यहाँ वो चुड़ैल नहीं है, इसी का दरवाजा खटखटाती हूँ। घर पर कोई है? अरे इतनी मीठी आवाज है, जरूर कोई झक्कास औरत होगी। इस कविता से तो मैं दुखी हो गया, चलो थोड़ी मटर गश्ती ही कर लूं। हाँ मैं हूं ना घर पर, मेरी रानी अभी आया जाने मन। ये सोचकर शराब के नशे में धुत हरिया दरवाजा खोलने जाता है। तभी कविता और राजू आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। अरे अरे छोड़ कलमोही, मेरी रानी आई है बाहर। अरे पापा जी रानी नहीं, डायन आई है बाहर, मम्मी पकड़ के रखना इनको। लेकिन कविता और राजू हरिया को पकड़ लेते हैं और उसे जाने नहीं देते। लगता है इस घर में कोई नहीं है, आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा लगता है, लेकिन मैं कल आऊंगी, कल फिर आऊंगी। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। तभी हरिया कविता को लात मारकर गिरा देता है। छोड़ मुझे, मेरी रानी आई थी, तूने मुझे जाने नहीं दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वो नशे में कविता को बहुत मारता पीटता है। राजू ये सब देखकर बहुत डर जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन, मम्मी तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। मम्मी मुझे पापा अच्छे नहीं लगते, आपको कितना सताते हैं। नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारे पापा हैं, जाओ तुम जाकर खेलो। कविता उठकर दरवाजे पर शीशा लगा देती है और रात में शीशा लगा होने के कारण चुड़ैल किसी के घर पर जाकर शिकार नहीं कर पाती। इस गांव में इतनी चुड़ैल कहां से आ गई? मैं इतने दिनों से भूखी हूँ, ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, इन गांव वालों ने अपने घरों के बाहर एक एक चुड़ैल खड़ी कर दी है, पर कब तक बचोगे? मैं कल फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी। फिर अगली सुबह गांव वाले जमा होते हैं। अरे भाइयों ये राजू ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया, बचा लिया हम सबको, शाबाश बेटा।
थैंक यू अंकल, बोला था ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ ठीक है चलो घर जाकर पढ़ो जाओ यहाँ से। राजू को बुरा लगता है और वो घर चला जाता है। उधर चुड़ैल, मैं इस गुफा में बैठे बैठे ही ना मर जाऊं, किसको खाऊं। फिर रात हो जाती है। भूख के मारे वो गुफा से बाहर जाती है और गांव की तरफ चल देती है। तभी राजू अपने कुत्ते को घर के बाहर घुमाते हुए घर से थोड़ा दूर आ जाता है। अम्मी चलो घर, चलो रात हो गई है, चुड़ैल किसी भी वक्त आने ही वाली है। तभी टॉमी यहाँ वहाँ भागता हुआ गुम जाता है। राजू उसे ढूंढता है, तभी चुड़ैल की नजर टॉमी पर पड़ती है। इस कुत्ते को ही खा के काम चलाती हूँ आज। फिर वो अपना हाथ लंबा करती है और उस कुत्ते को पकड़ कर खा जाती है। अब थोड़ी राहत मिली। राजू ये सब देख लेता है और रोता हुआ घर भाग जाता है। जाकर कविता को सब बताता है। कविता ये सब सुनकर बहुत डर जाती है। तभी हरिया भी घर आ जाता है। ए कलमोही, पानी लेकर आ। तुझसे इतना भी नहीं होता कि मर्द घर आया है तो एक गिलास पानी ले आऊं। जी लाती हूँ। एक तो इतनी गर्मी है, तुझसे शादी करके तो मेरे भाग ही फूट गए। सोचा था कि तेरा बाप पैसे वाला है, बढ़िया दान दहेज देगा, लेकिन नहीं, इतनी गर्मी है, एक तो एसी ही लगवा देता तेरा बाप तो क्या बिगड़ जाता। ऊपर से ये गर्म पानी लाई है, चल चल यहाँ से, काम की ना काज की दुश्मन अनाज की। कविता कुछ नहीं कहती, मगर राजू को अपने पापा का अपनी माँ के साथ ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता। फिर रात में सबके सो जाने पर वो जाता है और घर के दरवाजे से शीशा हटा देता है। और फिर रोज की तरह चुड़ैल आती है। अरे इस घर के दरवाजे पे चुड़ैल नहीं है। मजा आ गया। घर पर कोई है? घर पर कोई है? पापा दरवाजे पे वो आई है, आपकी रानी। जाओ मम्मी सो रही है, आप चुपके से चले जाओ। वाह बेटा, तू ही है मेरा असली शेर। वाह वाह वाह, जिए मेरे लाल, आया मेरी रानी, तुमने पुकारा और हम चले आए। आया डार्लिंग, आया आया आया। हाँ हाँ जाओ, मेरी मम्मी को बहुत दुखी कर लिया आपने। हरिया नशे में होता है और खुश होकर दरवाजा खोल देता है। आओ मेरे राजा जी। अरे मेरी रानी, तुम नशे में चुड़ैल क्यों दिख रही हो मुझे? हा? लगता है ज्यादा चढ़ गई। मेरे राजा, मैं चुड़ैल ही हूँ। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं चुड़ैल जी, आप तो मेरी बहन जैसी हो, सारा नशा ही उतर गया आपको देखकर, मुझे छोड़ दो, अब से आप पर बुरी नजर नहीं डालूंगा। अरे कविता आओ। चुप कर, बेवकूफ समझा है क्या, चल भूख लगी है। फिर चुड़ैल हरिया को लेकर चली जाती है। शोर सुनकर सब गांव वाले जग जाते हैं और कविता भी। राजू तुम्हारे पापा कहाँ है? अभी अभी मैंने उनकी आवाज़ सुनी थी। उनको तो चुड़ैल ले गई, अब तुम्हारे सारे दुख खत्म माँ। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो जैसे भी है तुम्हारे पापा हैं, मैं जा रही हूँ इनको बचाने। कविता मशाल उठाती है और जंगल की ओर गुफा में चली जाती है। सभी गाँव वाले भी पीछे जाते हैं। कविता जंगल पहुँच जाती है। चुड़ैल जी छोड़ दो मेरे पति को, तुम मुझे खा लो, इनको छोड़ दो। नहीं माँ, चुड़ैल आंटी मेरी माँ को नहीं, मुझे खा लो। नहीं नहीं कविता, तुम जाओ यहाँ से, जाओ तुम। अरे तुम पति पत्नी का ड्रामा तो खत्म ही नहीं हो रहा, लैला मजनू मेरे पेट में जाकर बन जाना। ऐसा बोलकर चुड़ैल कविता को गले से पकड़कर हवा में उठा लेती है। ये देखकर राजू पीछे से चुड़ैल के बालों में आग लगा देता है। चुड़ैल जलने लगती है। अरे नहीं छोटे से लड़के, ये तूने क्या किया? और फिर चुड़ैल जलकर राख हो जाती है